इंडिया के अंदर एक कोर्ट केस दो व्यक्तियों के बीच में चल रहा होता है और ऐसे में उन दोनों व्यक्तियों का ये सोचना होता है कि वो उस कोर्ट केस को जीत सकें और सामने वाले व्यक्ति को सजा दिलवा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी किसी भी एक सेकंड पर्सन पर किसी भी तरह का कोर्ट केस कर रखा है या फिर अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोर्ट केस चल रहा है तो आपको वो कोर्ट केस कैसे जीतना है और सामने वाले पर्सन को कैसे सजा दिलवानी है। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इंडिया में चल रहे दिन प्रतिदिन कानून की जानकारी लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के अंदर जब भी कोई व्यक्ति किसी भी एक सेकंड पर्सन पर किसी भी तरह का कोर्ट केस करता है तो वैसे में उस व्यक्ति को उस कोर्ट केस के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, बहुत सारे एविडेंस लगाने होते हैं, प्रूफ्स लगाने होते हैं, विटनेसेस के नाम लिखने होते हैं ताकि उस पर्सन का कोर्ट केस मजबूत बन सके और सामने वाले व्यक्ति को सजा दिलवा सके। तो चलिए, इसमें सबसे पहले बारी कोर्ट केस के अंदर ये आती है कि एक व्यक्ति को अपना कोर्ट केस बहुत ही अच्छे से ड्राफ्ट करवाना चाहिए, यानी कि जब भी वो व्यक्ति अपना कोर्ट केस बनवा रहा होता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को हर एक वर्ड के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हर एक स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने कोर्ट केस के अंदर आखिर लिखवा क्या रहा है। अगर आप किसी भी तरह का कोर्ट केस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर करते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप अपने कोर्ट केस के अंदर सामने वाले व्यक्ति से कैसी मांग कर रहे हैं। इसमें सेकंड नंबर पर बारी आती है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि यही आपका कोर्ट केस को मजबूत बनाते हैं। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाने चाहिए जो डॉक्यूमेंट जो हैं आपके हक में जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर एक कोर्ट केस लड़ा जाता है और सामने वाले व्यक्ति को हार दिलवाई जाती है। इसमें थर्ड नंबर पर बात आती है विटनेसेस की। विटनेसेस वो व्यक्ति होते हैं जिन व्यक्तियों के सामने वो केस हुआ है और उस चीज़ के अंदर वो व्यक्ति अपनी अगर गवाही दे सकें तो ऐसे में विटनेसेस की गवाही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और किसी भी कोर्ट केस के अंदर आप 65% विटनेसेस की गवाहियों से ही जीते हैं। इसमें चौथे नंबर पर बारी आती है एफिडेविट की। वो एफिडेविट आप किसी भी एक कोर्ट केस के अंदर आपको लगाना होता है और उस एफिडेविट के अंदर आप ये मानते हैं कि इस कोर्ट केस के अंदर मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और जो भी रिलीफ आप जो है सेकंड पर्सन से मांगते हैं वो पूरी तरह से सही है और उस कोर्ट केस के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके द्वारा लगाए गए हैं वो एकदम सही हैं। इसमें पांचवें नंबर पर बारी आती है क्रॉस एग्जामिनेशन की। अगर कोई भी व्यक्ति सेकंड पर्सन का बहुत ही अच्छे तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करवा देता है और उस क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर साफ साफ ये आ जाता है कि वो व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है तो आपका उस कोर्ट केस के अंदर जीतना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है और आपके उस कोर्ट केस को जीतने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आज इस वीडियो में आपने ये जाना कि अगर आपने भी किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर कोर्ट केस करना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।